क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है. व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे, अब पहले बात कब की है बता दे रहा हूँ, जब लुई 16 को लोगों ने उधर के हरा दिया था. जब लुई 16 हार चुके थे उसके बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद जब वो क्या हुआ, रूल पीपल के हाथ में आया, पीपल के हाथ में पावर आई, तो उन्होंने क्या कैसे किया और सबके मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब बोल सकते हैं कि सबके मन में इक्वल थॉट कैसे लाए कि वो उस नेशन के ही लोग हैं, वो एक जैसे रह सकते हैं, गवर्नमेंट बना के सब लोग एक जैसे रह सकते हैं, वो हमें देखना है क्वेश्चन में. तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब फ्रेंच आज़ाद हुआ, ये कब की बात कर रहे हैं, लुई 16 के हारने के बाद की बात कर रहे हैं, तब फ्रेंच के पीपल ने क्या किया, क्या रोल प्ले किया, ताकि क्या हुआ, सबके मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई, इक्वल थॉट्स डेवलप हुए. तो आंसर हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट से, द आइडिया ऑफ ला पैटोरियन द फादरलैंड एंड द ला सिटी ऑन द सिटीजन्स. तो देखो ला पैटोरियन मतलब क्या हो गया, फादरलैंड, द आइडिया ऑफ ला पैटोरियन, फादरलैंड, जैसे हम लोग अपना बोलते हैं ना भारत माता, वैसे इन लोग क्या बोलते हैं, फादरलैंड, तो ये हो गया फादरलैंड. और ला सिटी ऑन मतलब द सिटीजन्स, तो वहाँ के जो लोग हैं, चाहे आप कोई भी नेशन के हो, मतलब नेशन नहीं, मतलब कोई भी जैसे कल्चर के हो, कोई भी रिलीजन का हो, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, लेकिन पहले आप क्या हो, उधर के एक सिटीजन हो. तो ये ला सिटी ऑन मतलब हो गया, एक एग्जांपल के हिसाब से मैं समझाया हूँ ला सिटी ऑन का मतलब, द सिटीजन, तो उधर के सिटीजन्स क्या है, इक्वल है. तो ये फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है. उसके बाद उन लोग ने क्या क्या किया था, सेकेंड पॉइंट में देखते हैं. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. तो मतलब उन्होंने क्या किया, अब एक ट्राई कलर फ्लैग लाया. अब ट्राई कलर फ्लैग कौन सा है, देखो ब्लू व्हाइट और रेड का, क्योंकि देखो सबको इक्वल दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया. तो इस फ्लैग से क्या है, आप सब लोग एक इक्वल है, कैसे बोल सकते हैं, सबके मन में क्या है, इक्वल इक्वालिटी डेवलप करने के लिए, इक्वल थॉट्स डेवलप करने के लिए उन्होंने ये फ्लैग बनाया. उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, नेशन का एक क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर ये भी होना चाहिए. जैसे हम बोल सकते हैं कि नेशन को पहचानने के लिए कोई सिंबल होना चाहिए, ये भी बता सकते हैं. और थर्ड क्या दिया है, द एस्टेट जनरल वॉज रीनेम एज द नेशनल असेंबली इन इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव मेंबर्स. तो पहले क्या होता था, उधर एस्टेट जनरल चलते आती थी, तो उसके बाद पहले देखो लुई 16 थे तब एस्टेट जनरल चल के आती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की, तो उसका नाम रखा नेशनल असेंबली, एक नई जगह फॉर्म की. तो एस्टेट जनरल को रिप्लेस करके क्या किया, नेशनल असेंबली फॉर्म की. तो क्या करते थे, वहाँ सब लोग इलेक्ट करते थे और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता था. New hymns were composed and oaths taken and martyrs commemorated all in the name of the nation. तो उन्होंने क्या किया, नए hymns लाए, नए oaths लाए. अब hymns क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपना national song होता है जनगण मन, सॉरी national anthem होता है जनगण मन, तो उधर का कुछ anthem होगा, वो हो गया national anthem उधर का. और oaths भी उन लोग ने लाए, oaths मतलब शपथ लिए है बहुत सारे. तो ये सब इन लोग ने किया. अब उसके बाद देखते हैं और चार पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं हम. अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इलाइट यूनिफॉर्म लॉ वाज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल द सिटीजन्स. तो क्या हुआ, पहले क्या होता था, जैसे वो फ्रांस पहले कंट्री नहीं थी, पहले किंगडम्स थे उधर बहुत सारे, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कैप्चर करके रखे थे. तो कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगेगा, कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगेगा, मतलब पूरे फ्रांस में क्या होता था, इक्वल टैक्स नहीं लगता था. कुछ जगह पे कुछ अलग टैक्स लगता था और कुछ जगह पे कुछ अलग टैक्स लगता था. तो ये सब हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म लॉ वो इंट्रोड्यूस किया, ताकि क्या हो, अब सबका जो टैक्स हो वो इक्वल हो, पूरे देश में क्या हो, टैक्स इक्वल हो. उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड. तो क्या हुआ, जो पुराने सबके ड्यूज थे उन्हें ख़त्म कर दिया, जो पुराने सबके लोन थे उन्हें भी हटा दिया, और उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया. अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि पहले क्या होता था, स्पेसिफिक यूनिट नहीं होते थे मेजर करने के लिए. जैसे कोई पत्थर लेके मेजर कर देता था, हमें पता नहीं होता वो पत्थर कितने वजन का है, तो बोलता था वो 1 किलो है, तो उस पत्थर को मेजर करके दे देता था हमें कोई भी चीज़. तो क्या होता था, हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता था. तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब लाया, ताकि क्या हो, अब वेट और मेजरमेंट सब इक्वल हो, एक ही स्पेसिफिक यूनिट को पकड़ा जाए. अब देखते 7th पॉइंट, रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेजेस एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड राइटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. तो अब क्या किया,
सब लोग अलग अलग लैंग्वेज के थे उधर, मतलब बहुत जन अलग के थे, लेकिन ज़्यादातर क्या थे, फ्रेंच थे, क्योंकि वो फ्रांस था। तो उसके साथ साथ एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, तो ये फ्रेंच को क्या बोला जाता था, पेरिस में बोला जाता था और लिखा भी जाता था। तो क्या किया, फ्रेंच को क्या कर दिया, उधर का कॉमन लैंग्वेज या बोल सकते हैं नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। तो फ्रेंच ज़्यादातर सब लोग उधर बोलते हैं। अब 8 पॉइंट देखो, द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू बी लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एक फर्स्ट स्टेप हो गया, जिससे क्या हो, जैसे अभी इन लोग इक्वल हो गए, मतलब इन लोग ने क्या किया, पहली बार ऐसा हुआ था कुछ कि मोनार्की को हटा के पीपल का रूल आया था। तो इनका क्या मिशन था, जैसे अभी इन लोग ने फ्रांस में किया है, वैसे ही सब क्या करेंगे, नेशनलिज्म की फीलिंग आगे पूरा यूरोप में बना देंगे और सब क्या हो जाएगा, सब लोग इक्वल हो जाएगा, इक्वल जैसे बोल सकते हैं, सब लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, किससे, मोनार्क्स से। और जो उनके ऊपर जैसे कुछ गलत व्यवहार हो रहा था उन्हें भी हटा दिया जाएगा और उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। तो यही था ये पूरे 8 पॉइंट्स और ये क्वेश्चन 2 था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।